एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल परी एंटरटेनमेंट। व्हाट्सअप परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं ले आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही हेल्दी होती है, जिसको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये आपको मदद करेगी स्लिम रहने में या फिर हेल्दी रहने में। इससे आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भी भर जाएगा जल्दी। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दाल बॉईल करेंगे, दाल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, थोड़े से हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक। बस इस कुकर का ढक्कन लगा के इसको सीटी मार देंगे 2 से 3 और उसके बाद शुरू करते हैं। पालक कट चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो घी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा घी यूज़ कर सकते हैं। दाल अभी छोकेंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनती है घी में, लेकिन हेल्थ वाइज सही नहीं है, तो इसलिए मैं तेल यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर और मिर्च, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हींग, जिसको हल्का सा भून लेते हैं। और फिर अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जब तक हल्की सी सुनहरी ना हो जाए प्याज तब तक भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च 1/2 चम्मच के राउंड, आप चाहे तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड करी इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड किया हमने ताकि इसको अच्छे से भून सके। इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दाल। ऐड करेंगे पालक जो हमने काट के रखा था, इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे, उसके बाद देखिए कैसा बनता है। ये हो चुका है हमारा दाल पालक रेडी। दाल पालक की खासियत ये है कि आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं, इसमें आयरन बहुत होता है। नॉर्मली बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, बट दाल के साथ ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि इतना टेस्टी लगता है कि वो बार बार मांग कर खाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं, तो आप हेल्दी रहने के लिए दाल पालक खा सकते हैं। पालक बहुत ही अच्छा होता है, उससे आंखों की रोशनी तेज होती है। और अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आप दाल पालक खा सकते हैं, और जितना ज़्यादा खाना चाहें आप उतना ज़्यादा खा सकते हैं, इससे आप बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे। और आप चाहें तो सिर्फ दाल पालक भी खा सकते हैं, और या फिर आप इसके साथ रोटी खा सकते हैं, रागी की रोटी खा सकते हैं, रागी का पराठा खा सकते हैं, या फिर मक्के की रोटी खा सकते हैं अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो। तो आप थोड़ी सी थिक दाल रख सकते हैं जो कि बिल्कुल सब्जी का स्वाद देगी, और चाहे तो आप सब्जी भी ले सकते हैं।
तो यही है हमारा दाल पालक। आप भी इसे बनाइए, ट्राई करिए और बताइएगा ज़रूर कि आपने अगर ये रेसिपी ट्राई करी है तो कैसा बना है आपका दाल पालक, टेस्टी बना है कि नहीं। मैंने जब पहली बार दाल पालक खाया उसके बाद तो मैं इसकी फ़ैन हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि मज़ा ही आ जाता है, ऊपर से सुपर हेल्दी भी रहता है। दाल पालक बहुत ही हेल्दी होता है। आप चाहे तो इसे दिन में भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ दाल पालक भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी खाएं। और अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ रागी की रोटी कैसे बनाई जाती है, तो आप वो इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। एक रोटी या फिर दो रोटी आप खा सकते हैं, इससे आपकी अच्छी खासी डाइट हो जाएगी, डाइटिंग हो जाएगी और आप हेल्दी रहेंगे, वेट भी नहीं बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको सब्जा के बारे में भी बताया था, दूसरी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और बने रहिए मेरे चैनल पे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। और कोई सजेशन है तो बता सकते हैं, मेल पे बता सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जो नया इंस्टाग्राम है मेरा, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बने रहिए मेरे चैनल पे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।